दोस्तों हर जगह बातें हो रही है कि 5G आने वाला है, 5G आने वाला है, और 5G आने वाला है क्या? 5G आ गया है, लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि क्या हमें एक सस्ता 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा? क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो कि अमेरिकन कंपनी की चिप है उसके साथ आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो फ़ोन महंगा ही होगा। लेकिन मार्केट में अभी तक जितने भी स्मार्टफोन आए हैं वो 20,000 के ऊपर ही है। लेकिन मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश पुष्पद, आप देख रहे हैं मिस्टर ओपीटेक। आज की इस वीडियो में जानेंगे एक सस्ते 5G स्मार्टफोन की कहानी। दोस्तों मीडियाटेक डिमेस्ट्री 888 प्रोसेसर, ये वही प्रोसेसर है जो आपको एक सस्ता 5G स्मार्टफोन दिलाएगा। इस प्रोसेसर के साथ जो भी स्मार्टफोन आएगा वो 10,000, 12,000, 15,000 तक की रेंज में आपको मिल ही जाएगा। तो अब बात प्रोसेसर की कर लेते हैं कि इस प्रोसेसर में खास क्या है। पहली खास बात, मीडियाटेक डायमेंशन 1000+ SOS में गेमिंग के लिए हाई इंजन 2.0 है। दूसरी खास बात, यहाँ बिजली की खपत कम करने के लिए अल्ट्रा सेफ टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। और तीसरी और सबसे खास बात, मीडियाटेक डायमेंशन 1000+ SOS में विराजमान तकनीक है। कंपनी ने घोषणा की है कि अग्रणी ब्रांडों के मीडियाटेक डायमेंशन 1000+ फ्लैगशिप SOC संचालित 5G स्मार्टफोन भारत में 2021 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद की जा सकती है। मीडियाटेक का कहना है कि इसकी आयाम श्रृंखला देश में 5G उपकरणों की अगली लहर की को शक्ति देगी। कंपनी के अनुसार इसका डायमेंशन 1000+ उन्नत पावर सेविंग प्रौद्योगिकी के साथ दुनिया का सबसे उन्नत एकीकृत SCSOC है। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि इस प्रोसेसर के साथ 5G स्मार्टफोन बहुत ही सस्ते हो जाएंगे। एक नई 5G अल्ट्रा सेव टेक्निक भी है जो 5G नेटवर्क का उपयोग करते समय भी बैटरी बचाने में मदद करती है। मीडियाटेक का दावा है कि 7 नैनोमीटर डायमेंशन 1000+ SOS अन्य प्रति चिप्स की तुलना में लगभग 48% कम बिजली की खपत करता है। इसमें कम विलंबना एंटी जैमिंग तकनीक है और यहाँ नवीनतम विराजमान तकनीक के साथ आता है जो चित्र की गुणवत्ता में सुधार करता है और वीडियो प्लेबैक एनहांसमेंट भी लाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।